गेस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनपुर में। माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे एक बैग ब्लाउज है जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यूज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको ये बैग ब्लाउज की डिजाइन अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगी कि आपको डिजाइन कितनी अच्छी लगी। और इसके साथ अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब कोई वीडियो अपलोड करें सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो क्लास में जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको वीडियो क्लिप लेके चलते हैं। तो चलिए हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मैंने ब्लाउज के अस्तर को कट किया। इसकी जो लंबाई मैंने रखी वो 14 इंचेस है, तो मैं आपको साइज करके दिखा दे रही हूँ। देख लीजिए, इसकी लंबाई 14 इंचेस थी और 3 इंचेस की चौड़ाई पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान मैंने लगा लिया, नीचे के साइड भी 3 इंचेस की चौड़ाई पर निशान लगा लेते हैं। अब जो गले की लंबाई रखेंगे वो 10.5 इंचेस है, तो गले की जो लंबाई मैंने रखी डीपनेस 10.5 इंचेस है। इन सबको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1 इंचेस पर गले की गोलाई दे देते हैं। तो देखिए, मैंने 1 इंचेस पर गले की गोलाई दे दी है। अब जो हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो देख लीजिए, वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कैसे हम डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। मैंने जो है डिज़ाइन को कट कर लिया है। जहाँ से हमने राउंड नेक किया था निशान को, उस वहाँ से भी अस्तर को कट कर लेंगे। देखिए, मैंने वहाँ से भी कट कर लिया है अस्तर को। अब मेरा जो है डिज़ाइन का ये अलग निकल चुका है पार्ट, इसकी जगह हम बकरम को कट करेंगे। तो मैं बकरम ले लेती हूँ और इसके साइज में कट करेंगे। तो एक साइड से जहाँ से हमने राउंड नेक किया, यहाँ से बिल्कुल बकरम साइज में राउंड नेक में ही रहेगा। बट जहाँ से हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है वहाँ से थोड़ा हम बढ़ाकर 1 इंचेस एक्स्ट्रा बकरम को लेंगे। तो इसलिए देख लीजिए, हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, मैंने निशान लगा लिया, वहाँ से हम कट कर लेंगे। तो मेरा बकरम जो कट चुका है, राउंड नेक भी कट कर लेंगे। देखिए, मैंने डिज़ाइन के लिए जो बकरम को कट कर लिया है, इसके ऊपर हम कपड़े को स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसी साइज के कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़ा जो है डबल फोल्ड है और डबल फोल्ड में हमारा बकरम भी है, हम इसको कट करके निकाल लेंगे। और इस बकरम पर हम कपड़े को कपड़े पर स्टिच कर लेंगे। तो हम पहले राउंड नेक जो है वहाँ से स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारा गला जो है अच्छे तरीके से परफेक्ट स्टिच हो जाए। ये हमारा स्टिच हो चुका है, अंदर से हम कट करके निकाल देंगे कपड़े को। मैंने निकाल दिया है कपड़े को। अब जो है देखिए, अब इसी तरीके से हम अस्तर लगा लेंगे नीचे के साइड, जिससे हमारा बकरम जो है ये दिखे ना और ये जो है थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए पहनने के बाद। देखिए, मैंने अंदर के साइड अस्तर को स्टिच कर लिया है। अब अच्छे तरीके से अस्तर को स्टिच कर लेते हैं। तो मेरा अस्तर जो है ये स्टिच हो चुका है। अब इस साइड से भी हम डिजाइन के साइड से भी स्टिच कर लेंगे अस्तर को। तो जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा जो अस्तर था उसे कट करके निकाल दिया है। मेरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए हम डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैं बकरम ली हूँ, जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा था। ये ब्लाउज कपड़े के लिए मैंने सेम अस्तर के कपड़े को भी लिया है। इसी तरीके से ब्लाउज के कपड़े को भी अस्तर कपड़े के तरीके से कट कर लेंगे। तो पहले से जब मैंने जिस डिज़ाइन में अस्तर को कट किया, उसी डिज़ाइन में ब्लाउज के कपड़े को भी कट कर लेते हैं। देखिए, ये कपड़ा भी कट चुका है। अब हम दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम अस्तर और ब्लाउज के कपड़े बिल्कुल बराबर रख के अच्छे तरीके से गले को स्टिच कर लेते हैं। जिस डिज़ाइन में हमने कट किया सेम उसी डिज़ाइन में थोड़ा सा गैपिंग देते हुए स्टिच कीजिएगा, नहीं तो हमारा डिज़ाइन जो है ये जिस डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली होके इसे स्टिच कीजिएगा आप। देखिए, मेरा ये स्टिच हो चुका है। दोनों अस्तर और कपड़े को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर लिया। इसमें हम कट्स लगा लेंगे, जिससे ये जो हमें उलट कर सीधा करने पर इसका जो है शेप बिल्कुल बना रहे, इसलिए इसमें कट्स लगाना इम्पोर्टेंट है। तो हम कट्स लगा लेते हैं इसमें। देखिए, हम सब जगह कट्स लगा रहे हैं गले में, क्योंकि जो डिज़ाइन ड्रॉ की है ये डिज़ाइन जो है
सब जगह कट्स लगाएंगे तभी अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो मैंने देखिए कट्स लगा के इसको उलट कर सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने डिज़ाइन सॉरी कपड़े को उलट कर सीधा कर लिया है। अब इसको स्टिच करके अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं। डिज़ाइन को बनाते हुए स्टिच कीजिएगा हाथों से, जिससे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉर्नर साइड से ही स्टिच हो और डिज़ाइन बना रहे हैं जिसे हम बनाना चाहते हैं। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर लिया। इसकी ऑल राउंडिंग स्टिचिंग करते हैं। तो कपड़े और अस्तर को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसकी ऑल राउंडिंग स्टिचिंग कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने पूरे कपड़े को स्टिच कर लिया है, अच्छे तरीके से अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम डिज़ाइन को जो बनाएंगे, तो पहले जो मैंने डिज़ाइन के लिए बनाया था उसके लिए मैंने स्क्वायर साइज़ के कपड़े लिए हैं। तो देख लीजिए ये कपड़े बिल्कुल स्क्वायर साइज़ के। अब इसका हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो वीडियो आप क्लियर दिखाई दे रहा है कैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। ये पोर्टली बटन्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के पोर्टली बटन्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आपको पोर्टली बटन्स और भी जानने हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैंने कई डिज़ाइंस के बताए हैं पोर्टली बटन, इसे हम देखिए अच्छे तरीके से बना लेते हैं। देखिए मैंने सबको बनाकर और कट्स कर लिए जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, तो मैंने कट्स करके निकाल के डिज़ाइन मैंने जो बना लिए हैं। अब इसको जो हम लोग जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया था बकरम वाला, उस पर स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए हम इसे एक एक करके स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटर में बैठाते हुए आप इसे स्टिच कीजिएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो लाइक करके हमें ज़रूर कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको डिज़ाइन कितनी अच्छी लगी, और ऐसे डिज़ाइन और भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपको डिज़ाइन ज़रूर बताएंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जो भी डिज़ाइन आप हमसे शेयर करेंगे वो डिज़ाइन हम आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। देख लीजिए मेरी डिज़ाइन जो बिल्कुल कम्प्लीट होने वाली है। ये देखिए मैंने सबको स्टिच कर लिया है, पोटली बटन जो मेरे स्टिच हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इस पर जो हम पाइपन बनाएंगे, तो पाइपन के लिए मैं कपड़े ले रही हूँ और इसको हम थोड़ा तिरछे में कट कर लेंगे जिससे ये स्ट्रेचबल हो। इसलिए देख लीजिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ, क्रॉस में कट कर रही हूँ। अब इसको जो हम ज्वाइंट कर लेंगे सबको एक दूसरे से। देखिए मैंने सबको ज्वाइंट कर लिया, ये सब ज्वाइंट हो चुके थे। अब इनको जो है हम स्टिच करेंगे। तो इसको देखिए बीच से मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसको जो है हम इसका पाइपन बना लेंगे गले पर। तो हम पहले कपड़े को लिया है जो मैंने जिस पे डिजाइन बनाया था, अब इसका पाइपन बना लेते हैं। तो पहले हम स्टिच कर लेंगे इसको, मैंने अभी कपड़ा लिया है, इसको स्टिच करके अच्छे से गले पर इसका पाइपन बना लेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है इसको, अब इसको हम राउंड करते हुए इसका पाइपन बना लेते हैं। देखिए मैं कैसे पाइपन बना रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप इसका पाइपन बना लीजिएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है। देखिए मेरे पाइपन जो है बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। मेरे पाइपन देखिए मैंने कम्प्लीटली बना लिया है। तो इसको हम जो है ब्लाउज़ पर स्टिच करेंगे। अब हम ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन पर रखकर स्टिच कर लेते हैं। तो इससे हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से, पहले हम गले की साइज़ ले लेते हैं। तो गले की साइज़ लेके हम 3 इंचेस पर इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब इसे जो हम अच्छे तरीके से डिज़ाइन को बनाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो हाथों की सहायता से आप डिज़ाइन को बनाते हुए स्टिच कीजिएगा, जिससे डिज़ाइन हमारा परफेक्टली बना रहे। ये देखिए
इसी तरीके से देखिए मैंने डिज़ाइन को जो है स्टिच कर लिया है कपड़े पर। अब इस पर जो हम लेस लगाएंगे इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं लेस ले लेती हूँ, इस पर स्टिच कर लेती हूँ। तो लेस लेके बिल्कुल इसके कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। जहाँ से हमें थोड़ा कॉर्नर है डिज़ाइन का वहाँ से इसे लेस को फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं, जिससे लेस भी वी शेप में वहाँ से आए। इसलिए थोड़ा सा आप इसे फोल्ड करके वी शेप में लेस को कर लीजिएगा। ये डिज़ाइन तो वह बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत दिखेगी। इसलिए देखिए मैं थोड़ा थोड़ा लेस को फोल्ड करके तब स्टिच कर रही हूँ वहाँ से। अब इसको जो है दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मेरा लेस बिल्कुल स्टिच हो चुका है, मेरी डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ऐसे डिज़ाइन और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कितनी अच्छी लगी। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मैं ऐसे डिज़ाइन और भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। हमारे आप डिज़ाइनपुर पर आईडी पर इंस्टाग्राम पर आके जो भी डिज़ाइन शेयर करें वो जरूर बताएंगे आपको और इसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।